हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो है एक गुड न्यूज़ आप लोगों को देने वाला हूँ। वो क्या है इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। टाइटल और थंबनेल में आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है पता चल ही गया होगा कि एक ऐसा NBFC था जो कि अभी के टाइम में प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, डिलीट हो चुका है प्ले स्टोर से। कौन सा एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी हो चुका है कि कौन सा एप्लीकेशन है। जिनको पता नहीं है, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो तो आप लोगों को चुकाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है प्ले स्टोर से गायब हो गया है। और प्ले स्टोर से अगर गायब हुआ है, इसका मतलब जो है वो इलीगल वे में काम कर रहा था। ठीक है, अगर इलीगल है तो आप लोगों को चुकाने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा लोन एप्लीकेशन है दोस्तों? वो लोन एप्लीकेशन का नाम है डोजलीज। तो आप लोग जैसे देख सकते हो, मैं अगर डोजलीज का सर्च करता हूँ तो यहाँ पे नाम और निशान नहीं है प्ले स्टोर में। ठीक है, ये टोटली जो है गायब हो चुका है प्ले स्टोर से। अगर मैं देखूँ गूगल में जाके, अगर इसका वेबसाइट है dozleasefinance.in, इसका वेबसाइट जो है वो रन कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से गेट इट ऑन प्ले स्टोर गूगल प्ले, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखेगा समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब इससे गायब हो चुका है। अब चीज़ क्या है, यहाँ से गायब हुआ है ये या फिर थोड़ी दिन के लिए गया है, अभी के टाइम में ये पता करना मुश्किल है। क्योंकि आप सबको पता है, 31 मई के बाद से आप लोगों को पता था कि एक न्यूज़ आया था, इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, कि जो भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, अगर RBI लाइसेंस्ड नहीं दिखा सकता है तो वो प्ले स्टोर से गायब हो जाएगा। तो डोजलीज जो है ये बता रहा था कि RBI से लाइसेंस्ड है, लेकिन साफ तौर पे पता चल रहा था कि जो है RBI से लाइसेंस्ड होने के बावजूद भी ये फर्जी लोन एप्लीकेशन की तरह काम कर रहा था। तो इसीलिए जो है ये मतलब प्ले स्टोर से गायब हो गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन 7 डेज़ के लिए अभी तक आप लोग वेट करके देख सकते हो, क्योंकि ये हाल ही फिलहाल जो है गायब हुआ है। 7 दिन का जो है एक वेरिफिकेशन होता है, अगर 7 दिन का वेरिफिकेशन के बाद अगर ये RBI का जो भी लाइसेंस अगर इनके पास है तो अगर दे देता है तो ये वापस आ सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये जो है फर्जी है। ठीक है, ये आप लोगों को एक बार मतलब ये गायब हुआ ही आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कमेंट्स में देखने को मिल रहा था भर भर के कि वहाँ पे 7 दिन का लोन दे रहा था, 3,000 का अमाउंट डिसबर्समेंट होने के बाद 1,800 2,000 का आसपास जो है लोन मिल रहा था। तो ये टोटली जो फर्जी, जिस तरीके से 7 दिन का लोन एप्लीकेशन काम करता था, सेम तरीके से ये लोग भी काम कर रहे थे। आप लोगों को बताया था कि फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले अब समझ गए हैं कि फर्जी तरीके से अगर मैं करता हूँ तो लोग जो है उल्टा फर्जी कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, तो उन लोगों का पैसा जो है फंस जा रहा है। तो इसलिए वो लोग ये अपना दिमाग लगाया और क्या किया कि वो अपना खुद का एक वेबसाइट बनाया डोमेन लेके, और क्या है कि वो मतलब RBI का नाम, किसी किसी भी RBI का नाम वहाँ पे वहाँ से उठा लिया और ऐसे डाल दिया, ताकि आप लोगों को विश्वास हो कि हाँ ये जो है RBI से लाइसेंस्ड है, और आप लोग यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट्स ना डाल के रियल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डालो। सबसे मेन चीज़, आप लोगों को रियल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, उसके बाद ही लोन अप्लाई होता है, लोन के लिए अप्रूवल मिलता है आप लोगों को। तो सेम चीज़ करते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को सही मिल जाएगा तो आप लोगों को हैरेसमेंट करना उन लोगों को जो है आसानी होगा, इसलिए ये लोग करते हैं ये सब चीज़ें अभी के टाइम में करने को मिल रहे हैं। लेकिन 31 मई के बाद से जो है वेरिफिकेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। RBI अगर लाइसेंस्ड है तो ही रहेगा, अगर नहीं है तो वो गायब हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो है टाइम लगेगा, तो पहले का जो है ये डोजलीज के ऊपर ही नज़र गया है, तो ये जो है प्ले स्टोर से गायब हो चुका है। एक क्रेडिट भी जाएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि वो भी ये फर्जी है, मैं वो लिख के बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिला है, गुड न्यूज़ वो भी मिल गया आप लोगों को। तो अगर लोन लिए हो, आप लोगों को पेमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्जी लोन एप्लीकेशन है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।